हेलो नमस्कार दोस्तों, खबरी बॉस के ब्रेकिंग न्यूज की दुनिया में आप सभी का हार्दिक स्वागत है। दोस्तों यहां पर आप देखेंगे देश दुनिया की तमाम बड़ी ताजा खबरों की सुर्खियां। तो दोस्तों आपसे अनुरोध है कि इस चैनल को आप सब्सक्राइब करें, वीडियो को लाइक करें, अपने दोस्तों को वीडियो शेयर करें। और दोस्तों शुरू करते हैं पहली और बड़ी खबर से। आज की सबसे बड़ी खबर दोस्तों, कोर्ट ने सुनाया फैसला, 22 जनवरी सुबह 7 बजे दोषियों को मिलेगी फांसी। जी हाँ दोस्तों, बड़ी खबर है, कोर्ट ने सुनाया है फैसला, 22 जनवरी सुबह 7 बजे मिलेगी निर्भया की दोषियों को फांसी। दोस्तों दिल थाम के देखिए, बिल्कुल जी हाँ दोस्तों, ये बहुत बड़ी खबर उभर रही है। निर्भया मामले में दोषियों को फांसी की 22 जनवरी को सुबह 7 बजे फांसी देने का कोर्ट ने आदेश सुनाया है। कोर्ट ने डेथ वारंट पर सुनवाई के बाद यह फैसला सुनाया है। कोर्ट ने इस मामले में 22 जनवरी की तारीख फांसी के लिए तय कर दी है। फांसी का समय भी सुबह 7 बजे तय कर दिया गया है। इससे पहले सुनवाई के दौरान वीडियो कॉन्फ्रेंसिंग में कुछ परेशानी आ रही थी, जिसे कुछ ही देर में ठीक कर लिया गया। जी हाँ दोस्तों, चारों दोषियों को फांसी दिल्ली के तिहाड़ जेल में दी जाएगी। बड़ी खबर दोस्तों, फैसला आने के बाद निर्भय की मां ने कहा, मेरी बेटी को आज इंसाफ मिल गया है। दोषियों की सजा मिलने से देश में महिला शक्ति को मजबूत मिलेगी। इस फैसला से लोगों को न्याय व्यवस्था में विश्वास जगा है। दोस्तों सुनवाई के दौरान माता पिता की ओर से कोर्ट से गुजारिश की गई है कि चारों दोषियों अक्षय, मुकेश, विनय और पवन को फांसी देने को लेकर डेथ वारंट जारी किया जाए। वहीं दोषियों के वकील एपी सिंह की ओर से कोर्ट में कहा गया कि वह सुप्रीम कोर्ट में क्यूरेटिव पिटीशन दायर करने की प्रक्रिया में जुटे हैं। दोस्तों जानकारी के मुताबिक निर्भया के वकीलों ने सुनवाई के दौरान मांग की थी कि डेथ वारंट जारी किया जाए। इसके बाद भी 14 दिन का समय होता है, जब तक दोषी चाहे तो कानूनी मदद ले सकते हैं। दोस्तों सुप्रीम कोर्ट भी कई मामलों में इस तरह की ऑब्जर्वेशन रही है। अब इसमें फैसला आ गया है। वहीं दोषी मुकेश की मां कोर्ट में रोई तो निर्भया की मां ने कहा, हम भी कई साल से रो रहे हैं। दोस्तों वहीं मंगलवार को होने वाली सुनवाई में तिहाड़ जेल प्रशासन अपनी एक रिपोर्ट भी दाखिल करेगी। पिछली सुनवाई में कोर्ट से मिले निर्देश पर जेल प्रशासन ने दोषियों को 7 दिन का वक्त दिया था, ताकि वे मौत की सजा के खिलाफ दया याचिका दाखिल कर सके। दोस्तों जेल प्रशासन ने नोटिस दिल्ली जेल नियमावली 2018 के नियम 837 के तहत जारी किया था। प्रशासन ने कहा था कि यदि आपने दया याचिका दाखिल नहीं की है तो 7 दिन के भीतर राष्ट्रपति के समक्ष दायर कर सकते हैं। जेल प्रशासन के अनुसार चारों दोषियों की ओर से जेल प्रशासन को जवाब मिल चुका है। मुकेश की ओर से सबसे अंत में जवाब मिला।